आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में 1 जून तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, 28 मई को खुलेगी परचून की दुकानें। चमोली और देहरादून में देर रात भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। रुद्रप्रयाग में सरकारी महकमे के ऊपर जोरदार तमाचा, आपदा में ध्वस्त हुआ था गांव का मुख्य मार्ग, ग्रामीणों ने श्रमदान कर खोला। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को तीसरे चरण में 1 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोविड को देखते हुए जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए सरकार ने फिलहाल कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि अब कर्फ्यू के दौरान फल सब्जी दूध की दुकानें सुबह 8 से 11 बजे तक खुलेगी। अभी तक ये अवधि सुबह 7 से 10 बजे तक थी। इसके अलावा परचून की दुकानें 28 मई को सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेगी। देखिए, निसंदेह जब से कोविड कर्फ्यू राज्य में लगा तो संख्या आज 10,000 से घटकर 3,000 तक आ गई है। लेकिन 3,000 के आंकड़े, आप ये सोचें कि 3,000 के आंकड़े बहुत कम है तो ये गलत है, क्योंकि पहले फेज में जब 3,000 पहुंचा था तो त्राहिमाम हो गया था। तो 3,000 अभी ये ठीक है कि हम लोग लगातार संक्रमण को कम करने में सफल हो रहे हैं, लेकिन अभी ये लगता नहीं है कि अभी ये स्थिति आ गई कि ढिलाई दी जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ कि इस लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ाया जा रहा है। और इसमें थोड़ा एक परिवर्तन ये किया गया कि जो व्यापार संघ की मांग थी कि 7 बजे से 10 बजे की जगह 8 बजे से इसको किया जाए, तो सरकार ने निर्णय दिया है कि 8 बजे से 11 बजे तक खुला रहेंगे दुकानें, जो आपकी राशन की दुकानें सरकारी सस्ते कर लेगी, दूध की दुकानें, ये मीट मछली मांस की दुकानें, बेकरी दुकानें, इनको 8 बजे से 11 बजे तक इनको कहा गया। और जो एक साप्ताहिक में एक दिन जो दुकान खुलेगी उसके लिए 28 तारीख नहीं थी। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव नारकोटा के ग्रामीणों ने सरकारी महकमे को आईना ही नहीं दिखाया बल्कि मुंह पर करारा तमाचा भी मार दिया है। आपदा में ध्वस्त हुए गांव के मुख्य मार्ग को खोलने के लिए प्रशासन ने दावा तो किया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण खुद ही श्रमदान में जुट गए। वहीं इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव का भी पूरा ध्यान रखा गया। भीमताल के ग्रामीण इलाकों में जिला प्रशासन ने कैंप जरूर लगाए, लेकिन कोरोना ज्वर से लोग दूर भाग रहे हैं। पहाड़ के कई गांव कोविड की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन ग्रामीण बीमारी का सामना करने के बजाय इससे दूर भाग रहे हैं। भीमताल दारी रामगढ़ ओखलकांडा ब्लॉक के ढोली गांव सैमल कन्या सुनकोट में कोविड कैंप लगाए गए, लेकिन कैंप से लोग कोसों दूर भाग रहे हैं। बीते 1 महीने से ओखलकांडा रामगढ़ धारी भीमताल के ग्रामीण इलाकों में कोविड तेजी से फैल चुका है। हालात यह है कि गांव-गांव तो दूर घर घर में फैल चुका है। लोगों के न आने से डॉक्टर भी परेशान दिखे। जहाँ तक मेरा मानना है कि गांव को लोगों को गांव से घर से जरा बाहर निकलना चाहिए, कोविड सेंटर तक पहुंचना चाहिए और जांच करानी चाहिए, ताकि वो भी स्वयं भी सुरक्षित रहें, अन्य लोग भी सुरक्षित रहें। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग की सुविधा जरूर शुरू की है, लेकिन कई लोग टेस्ट कराने नहीं पहुँच रहे हैं। अगर ऐसे में वो लोग संक्रमित पाए जाते हैं तो आसपास के क्षेत्रों में ये संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। मेरे सहयोगी अंकित के साथ चंदन सिंह बेस्पहाड़ टीवी भीमताल ओखलकांडा। रुद्रप्रयाग के उखीमठ थाना अध्यक्ष मुकेश थलेड़ी के द्वारा जरूरतमंद लोगों को कोविड काल में खाद्य सामग्री वितरण की गई। स्थानीय महिलाओं ने थाना अध्यक्ष का आभार प्रकट किया। उखीमठ थाना अध्यक्ष मुकेश थलेड़ी के साथ कांस्टेबल रिहाज अली, दीपक यशपाल और महिला कांस्टेबल मधु और लीला भी मौजूद रहे। अप्रैल में जैसे ही कोरोना के केस बढ़ने लगे तो उत्तराखंड में लॉकडाउन लग गया, जिसका असर अब गरीब जनता पर पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना तो दूसरी ओर भूख से लोगों का बुरा हाल दिखता नजर आ रहा है। लोगों पर रोजी रोटी का संकट आ पहुंचा है। ऐसे ही कल डोईवाला के पत्रकार आसिफ हसन को सूचना मिली कि गुज्जर बस्ती खैरी में कुछ परिवारों के पास खाने का राशन नहीं है। आसिफ ने तुरंत इसकी सूचना मैडम रजनी रावत को दी और मैडम तुरंत डोईवाला पहुंची और गरीबों को कच्चा राशन और कपड़े वितरित किए। डोईवाला विधान सभा ये खैरी गाँव है, गुज्जर लोग रहते हैं हमारे तापी, मतलब जनता यहाँ पे हमारी माँ बहने सब मतलब इकट्ठी हो रखी है। तो सबसे पहला तो मैं इनको ये समझाऊंगी, अपना बचाव करना। ये महामारी जो चल रही है बहुत खतरनाक चल रहा है। मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, इससे लड़ना आप लोग, इससे बचने कोशिश करना। घर से फालतू निकलना नहीं, फालतू नहीं जाना, थोड़ा दूरी पे रखना, क्योंकि
मैं भी परमात्मा से, देखिए भगवान से, अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह भगवान एक ही होता है, अल्लाह भगवान से मैं भी यही दुआ करती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी जो बीमारी आ रखी है जल्दी से जल्दी चले जाए। हमारे जनता बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि हमारे ऐसा जनता भी है कि सवेरे निकलते अपने दिहाड़ी मजदूरी करके शाम को बच्चों के लिए आटा चावल ला के खिलाते हैं। ताकि भैया ने पूछे यहाँ कोई नेता नहीं आया, कोई मतलब प्रधान लोग नहीं आया, पर बाबू मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि एक ना तो मैं नेता हूँ, मैं तो एक आम जनता का सेवा करने वाली सोशल वर्कर, मेरा नाम रजनी रावत। लक्सर व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री को लक्सर व्यापारियों के टैक्स माफ करने और 1 जून से व्यापार खोलने के लिए लक्सर विधायक के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। साथ ही व्यापार न खुलने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लक्सर का व्यापारी पिछले 1 वर्ष से लगातार व्यापार के संकट से जूझ रहा है और इस महामारी के कारण व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई है। तक नहीं अगर व्यापारियों की समस्याओं को सुनती है तो 1 जून से व्यापारी बाध्य होगा आंदोलन करने के लिए और अपने व्यापार खोलने के लिए। इसकी सारी जिम्मेदारी फिर आंदोलन की सरकार की होगी। कहाँ कहाँ ज्ञापन दिया? पूरे प्रदेश में उत्तराखंड सरकार के ज्ञापन जा रहे हैं हमारे व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के द्वारा। पूरे प्रदेश में यह आह्वान हुआ है उत्तराखंड प्रदेश व्यापार मंडल के द्वारा और समस्त जनपदों में समस्त इकाइयों में सब ज्ञापन जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। नहीं अगर हमारी मांगे मानेंगे तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने क्षेत्रवासियों को कोरोना से बचाने के लिए अपने निजी खर्चे से नगरीय क्षेत्रों में सैनिटाइजर स्प्रे करवाए। विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने ट्रैक्टर और कार्यकर्ताओं की मदद से मिलाप नगर, गंगा एनक्लेव और सरिता विहार कॉलोनियों में घर घर जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली पर सैनिटाइजर मशीन द्वारा छिड़काव कराया। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ शनिवार शाम को भाजपा के कुछ नेता भी बद्रीनाथ धाम पहुंच गए, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते तीर्थ यात्रा स्थगित है और तीर्थ पुरोहितों को भी सीमित संख्या में धाम भेजा गया है। ऐसे में भाजपा नेताओं के धाम पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन बताया है। पुरोहितों ने भी शासन प्रशासन से धाम जाने की अनुमति देने की मांग उठाई है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत 19 मई से जिले के भ्रमण पर है। ब्लैक फंगस के मामले उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक प्रदेश में 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के इलाज में सबसे कारगर एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी है, जिसकी पूरे प्रदेश में इस वक्त कमी चल रही है, लेकिन उत्तराखंड से अगले कुछ दिनों से इस दवा की कमी पूरी हो सकेगी। रुद्रपुर में बीएचबी मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड में इस दवा का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। वहीं हरिद्वार सिडकुल में स्थित एक्मस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में भी जल्द इस दवा का निर्माण शुरू हो सकता है। हालांकि एक्मस में रेमडेसिविर और डीआरडीओ की बनाई गई दवा 2DG की शुरुआत अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। अल्मोड़ा जिले के सियालदे ब्लॉक के छियानी ग्राम सभा तिमली में ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीण हैंडपंप का खराब पानी पीने को मजबूर है। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। कोरोना इलाज में एलोपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर बाबा रामदेव के वायरल वीडियो के मामले में आईएमए की उत्तराखंड शाखा भी बाबा रामदेव के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकने जा रही है। आईएमए के राज्य सचिव डॉक्टर राजीव खन्ना ने कहा कि पहले बाबा को नोटिस भेजा जा रहा है, यदि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मानहानि का दावा भी किया जाएगा और इस मामले में FIR भी दर्ज कराई जाएगी। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में रविवार देर रात करीब 12:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर आ गए, हालांकि भूकंप से किसी नुकसान की सूचना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र में भी भूकंप की पुष्टि करते हुए बताया कि इसका केंद्र चमोली जिले में रहा। साथ ही रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता करीब 4.3 दर्ज की गई है। हरिद्वार, टिहरी और ऋषिकेश में इसके झटके महसूस किए गए, हालांकि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में भी झटके मामूली रहे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।